आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की भुर्जी। आधा किलो आलू हमने लिए हैं जो बारीक काट लिए हैं। एक कटोरी मटर, एक मीडियम साइज प्याज, चार पांच हरी मिर्च और चार पांच कलियां लहसुन की, ये सारी चीज़ें हमने बारीक बारीक काट ली है। तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं जीरा। जीरा हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डालते हैं हम लहसुन और हरी मिर्च। और इसको मिक्स कर देंगे। प्याज लहसुन हरी मिर्च हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें हम डालते हैं हरी मटर और दो तीन मिनट के लिए हम मटर को भूनते हैं। मटर हमारी हल्की ब्राउन ब्राउन हो गई है, अच्छे से भून रही है। अब हम डालते हैं इसमें आलू। और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। आलू हमने मिक्स कर दिए हैं, अब हम इनको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट आलू को हमने पका लिया है, अब हम इसमें डालते हैं मसाले। और मिक्स करते हैं हम सबको। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब आलू को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारी आलू मटर की भुर्जी तैयार हो गई है बनकर, अब हम इसे करते हैं सर्व।